हेलो फ्रेंड्स, एलएनएमयू ने पीएचडी का एंट्रेंस एग्ज़ाम टेस्ट का डेट डिक्लेयर कर दिया है। तो चलिए हम इसको नोटिफिकेशन को डिटेल में पढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर पीएचडी एडमिशन टेस्ट, जिसको हम पैट बोलते हैं। फॉर एडमिशन टू द पीएचडी कोर्स ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू द यूनिवर्सिटी वेबसाइट lnmu.ac.in फ्रॉम 8 अगस्त टू 28 अगस्त 2019। तो जो आपका पीएचडी के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई होगा वो 8 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक होगा, और आपका जो डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट रखा गया है वो 22 सितंबर में रखा गया है। आपका एग्ज़ाम 22 सितंबर को होगा। और ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के लिए आपको कौन कौन सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है यहाँ पे, तो सबसे पहला जो दिया हुआ वो है कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम शुड हैव अ मास्टर डिग्री विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स इन एग्रीगेट और इट्स इक्विवेलेंट ग्रेड बी इन यूजीसी 7-point स्केल और एन इक्विवेलेंट ग्रेड इन पॉइंट स्केल वेर एवर ग्रेड सिस्टम इज़ फॉलोड इन द सब्जेक्ट इन एलाइड सब्जेक्ट फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी। तो आपका मास्टर डिग्री में मिनिमम 55% होना चाहिए, और उसके बाद जो है बी पॉइंट में अ रिलैक्सेशन ऑफ 5% मार्क्स दैट इज़ फ्रॉम 55% टू 50%, और एन इक्विवेलेंट रिलैक्सेशन ऑफ ग्रेड मे बी अलाउड फॉर दिस बिलोंगिंग टू SC ST OBC नॉन क्रीमिलियर, जिसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएबिलिटी एबल कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स। तो दोस्तों, आपको 5% का छूट भी दिया जाएगा जब आप SC ST या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो। और उसके बाद है एग्जेम्पशन फ्रॉम दी पैट 2019। आपको कौन कौन सा छूट दिया जा रहा है पैट 2019 में, तो सबसे पहला जो है वो कैंडिडेट वो है पास नेट JRF बैट पैट 2018 ऑफ LNMU एग्जाम सिक्योर्ड ग्रांट्स फॉर रिसर्च सच एस फेलोशिप DBT ICMR ICER DST इंस्पायर्ड CSI एटसेट्रा। तो कैंडिडेट जिन इनमें से पास हुए उनको थोड़ा सा छूट दिया जाएगा। उसके बाद है असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर वो हैव बीन अपॉइंटेड ऑन सब्सटेंटिव पोस्ट इन द UGC पे स्केल इन द टीचिंग डिपार्टमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ अ कंसर्न कॉलेज ऑफ द यूनिवर्सिटी वो हैव बीन कम्प्लीटेड देयर प्रोवेशन सक्सेसफुली विद द एक्सपीरियंस एटलीस्ट 2 ईयर्स ऑफ यूनिटेरीप्यूटेड सर्विस वुड बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टेस्ट। टीचर्स अपॉइंटेड इन सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज एंड टीचर्स बिलोंगिंग टू दोज कॉलेज रनिंग ऑन सेल्फ फाइनेंस बेसिस विल नॉट बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टेस्ट। उसके बाद जो आप सी पॉइंट देखेंगे वो ये है कि नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज ऑफ द यूनिवर्सिटीज वू हैर होल्डिंग सब्सटांसटिव अपॉइंटमेंट फॉर मोर देन 5 ईयर्स एंड हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 55% मार्क्स इन मास्टर डिग्रीज इन द सब्जेक्ट कंसर्न एंड हैव पब्लिश्ड एटलीस्ट 2 research papers इन एनी रेपुटेटेड रेफर्ड जर्नल्स और जर्नल्स आइडेंटिफाइड बाई द UGC वुड बी कंसिडर्ड टू बी एग्जामिन फ्रॉम द टेस्ट। तो फ्रेंड्स, ये सब आपको छूट दिया जा रहा है। उसके बाद है नोट करना है कैंडिडेट्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पैट आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन विद रिक्वेस्ट फी। तो आपको फी डिटेल्स भी दिया गया नीचे। तो यहाँ लिखा है हाउ टू अप्लाई, तो आपको कैसे अप्लाई करना है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड दी ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द रिक्वायर्ड टेस्ट फी एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम 8 अगस्त टू 28 अगस्त। एप्लीकेशन फॉर्म विल नॉट बी डिस्प्लेड आफ्टर ड्यू डेट ऑफ द ऑफिशियल वेबसाइट। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल नॉट बी एंटेंड। तो आपको इनकम्प्लीट एप्लीकेशन नहीं भरना है, और आपका जब 28 अगस्त के बाद ये वाला लिंक एक्सपायर हो जाएगा तो आपको 28 अगस्त तक ही ये लिंक एक्टिवेट रहेगा। उसके बाद दिया गया है एंट्रेंस टेस्ट फी, तो जनरल BC EBC EWS कैटेगरी के लिए 3000 है और BSc SC ST डिसेबल्ड वूमेन के लिए 2000 रुपये फीस है। उसके बाद है मोड ऑफ पेमेंट ऑफ टेस्ट फी, आपको कैसे पेमेंट करना है। ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, नॉन रिफंडेबल विल बी एक्सेप्टेबल ओनली थ्रू पेमेंट गेटवे डिस्प्लेड ड्यूरिंग फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है, और जो पैटर्न है टेस्ट का वो रहेगा PhD विल कंसिस्ट ऑफ 2 papers ऑफ 100 marks ईच। तो 2 paper होगा आपका, दोनों 100 marks का होगा। तो paper 1 में क्या शैल कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस questions ऑन क्वालिटेटिव टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा जिसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बोलते हैं। paper 2 में होगा शैल बी सब्जेक्टिव टाइप इन द सब्जेक्ट कंसर्न बेस्ड ऑन सिलेबस ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो जो आपका पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स था उसी के ऊपर आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछेगा आपसे। उसके बाद है एंट्रेंस टेस्ट शेड्यूल,
तो जो आपका शेड्यूल रहेगा एंट्रेंस टेस्ट का वो दिया गया है। डेट तो आप सभी को पता ही है, 22 सितंबर में होगा संडे को, और पेपर वन होगा। टाइम दिया हुआ है 10:30 से लेकर 12:30 PM तक होगा। उसके बाद पेपर टू का दिया हुआ है 2 PM से लेकर 4 PM तक होगा। उसके बाद लिखा हुआ है एंट्रेंस टेस्ट सेंटर, आपका सेंटर कहाँ पड़ेगा। टेस्ट विल बी हेल्ड इन दरभंगा एट डिफरेंट सेंटर्स विच विल बी कम्युनिकेटेड टू द कैंडिडेट्स प्रॉपरली इन टाइम, तो आपका दिया गया है। उसके बाद है वैकेंसी सब्जेक्ट वाइज, सब्जेक्ट यहाँ पे दिया गया और यहाँ पे बताया कितना वैकेंसी है। तो सबसे ज़्यादा आप यहाँ पे देख रहे होंगे केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा वैकेंसी दिया हुआ 66, और सबसे कम किस में दिया हुआ है, सबसे कम ड्रामेटिक्स में दिया हुआ ओनली 2 वैकेंसीज, और बायोटेक्नोलॉजी में एक भी वैकेंसी नहीं है, उसमें बिल्कुल भरा हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे रिजर्वेशन, द रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट विल बी एप्लीकेबल ऑन टोटल नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल इन ईच सब्जेक्ट एट द पॉइंट ऑफ एडमिशन। तो आप सभी को पता है कि जितना सीट होगा उतने ही स्टूडेंट्स को लिया जाएगा, तो जितना सीट से ज़्यादा स्टूडेंट्स को नहीं लिया जाएगा। और बाकी यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें इतना ही बताया गया, टाइम दिया हुआ है और डेट बताया हुआ है, और आपको बोला गया ऑफिशियल वेबसाइट पे इसको भरना है, और यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है अगर आपको कुछ भी क्वेरी होता है तो। और बाकी अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।